Hey beautiful people, welcome to Fundo Programming. मैं हूं आपका दोस्त Fundo Boy. दोस्तों student life जिसे हमारे life का सबसे important हिस्सा माना जाता है, क्योंकि ये student life ही हमारे आने वाले future को decide करती है, क्योंकि यहीं से हमारा real foundation, हमारा real character और हमारे real goal achievement journey ही शुरुआत होती है. वैसे तो हर एक student ये चाहता है कि वो अपने जीवन में आसमानों की बुलंदियों को छुए और उसके क्लास में टीचर्स और पेरेंट के साथ साथ पूरी सोसाइटी में उसका नाम रोशन बने और भी लोग उसकी इज्जत भी करें. लेकिन दुख की बात यह है कि 90% बच्चों की ये ख्वाहिश एक सपना बनकर ही रह जाती है, क्योंकि वो अपनी स्टूडेंट लाइफ में जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां कर बैठे हैं जो उनकी पूरी सक्सेस जर्नी की बैंड बजा देती है. इसलिए आज मैं आपको आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित ग्रंथ चाणक्य नीति से स्टूडेंट की वो चार गलतियां प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, जिसे समय रहते सुधार लेने पर ही आपकी जिंदगी में एक रेवोल्यूशनरी चेंज आएगा. तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए. तो यहाँ पे पहली गलती जो आचार्य चाणक्य जी हमें बताते हैं कि आलसी व्यक्ति या छात्र का ना तो वर्तमान होता है ना ही उसका कोई भविष्य होता है. ऐसे आलसी इंसान के हाथ में अगर आप घी से भरा हुआ एक मोदक भी दे दे तो वो भी उसके आलस की वजह से वहीं पे पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, जिसे कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन, जो कि आज ज्यादातर स्टूडेंट जाने अनजाने किए जा रहे हैं. काफी सारे बच्चों को ये पता तो होता है कि अगर उनके सामने पड़ी किताबें अगर वो आज पढ़ ले तो वो टॉपर से भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, मगर कल से पढ़ूंगा ये बोलकर वो अपने हाथ में आई हुई इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को गवा देते हैं. जबकि वही एक टॉपर स्टूडेंट यही छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज को ग्राब करके सही समय पे सही तरीके से अपनी पढ़ाई कर लेता है, जिसके बदौलत ही वो अपनी सफलता की बुलंदियों को यूं चुटकियों में हासिल कर लेता है. क्योंकि वो अच्छी तरीके से ये जानता है कि अगर उसे हर रोज एक छोटी छोटी लकड़ी तोड़ने के लिए दी जाए तो वो उसे बड़े ही आराम से तोड़ देगा. लेकिन अगर वो हर रोज एक एक लकड़ी ना तोड़कर एक ही दिन में सारी लकड़ियों को एक साथ तोड़ने की कोशिश करेगा तो वो उसे कभी नहीं तोड़ पाएगा और उस समय भी पछतावा करने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा. ठीक इसी तरह अगर बिना आलस किए वो हर दिन बस एक एक चैप्टर पढ़ता रहेगा तो आगे जाकर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. लेकिन अगर ऐसा ना करके एग्जाम के अगले दिन एक साथ उसे सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे तो उसका विल पावर वहीं पे टूट जाएगा और ना चाहते हुए भी उसे असफलता का सामना करना पड़ेगा. इसलिए एक टॉपर ऐसी गलती कभी नहीं करता. जबकि वहीं दूसरी तरफ बाकी स्टूडेंट के पास भी यही सेम अपॉर्चुनिटी होती है, मगर वो अपनी आलस के मायाजाल में फंस कर अपने हाथ में आई हुई ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी को गवा देते हैं और असफलता मिलने के बाद वो अपनी इस गलती को सुधारने के बजाय किस्मत को दोष देने लगते हैं और इससे ही अपनी किस्मत मानकर वो फ्यूचर में कभी अपनी आलस को छोड़कर कभी एक एक्सट्रीम लेवल की मेहनत करने पे फोकस ही नहीं करते और इसी को अपना मुकद्दर समझकर वो आलस को ही अपनी आदत बना लेते हैं. और इसी तरह से अपने स्टूडेंट लाइफ में की गई एक छोटी सी गलती की वजह से उनकी आने वाली जिंदगी में भी वो कभी सफलता की बुलंदियों को छू ही नहीं पाते. इसलिए दोस्तों अगर आपने इस माइंडसेट को अभी चेंज कर लिया तो आपको भी एक टॉपर बनने से कोई रोक नहीं पाएगा. लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मुझे कहना पड़ेगा दोस्तों कि आगे आने वाली जिंदगी में आपको काफी सारी तकलीफें झेलनी पड़ेगी. अब अगली गलती आचार्य चाणक्य जी ये बताते हैं कि पुस्तकों में लिखी विद्या और दूसरों के पास जमा किया गया धन कभी समय पे काम नहीं आता. ऐसी विद्या या धन का होना ना होने के बराबर ही हमें समझना चाहिए. यानी कि यहाँ पे आचार्य चाणक्य जी क्वालिटी ऑफ नॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि आज के समय में ज्यादातर स्टूडेंट ज्यादा मार्क्स लाने के चक्कर में भूलते जा रहे हैं, जिसका नतीजा हमें पिछले साल ही देखने को मिला था. उत्तर भारत में किसी जगह पे एक प्यून की सरकारी नौकरी की ओपनिंग निकली हुई थी, जिसमें केवल 10वीं पास लोगों की ही जरूरत थी, मगर फिर भी उस जॉब के लिए एक पीएचडी होल्डर ने भी फॉर्म भरा था और उस जॉब के लिए डिमांड की थी. जब उस महाशय से पूछा गया कि आप इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी एक प्यून की नौकरी करने के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हो, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने डिग्री पाने के चक्कर में एग्जाम में मार्क्स तो लेकर आ गए थे, मगर जब एक्चुअल वर्ल्ड में जब उन्हें रियल लाइफ के इश्यू सॉल्व करने के लिए कहा गया तो वो उन्हें सॉल्व ही नहीं कर पाए और इसीलिए उन्हें कई सारी नौकरी से निकाला गया था. और आज इसी के चलते मैं अपना और अपने परिवार का गुजारा करने के लिए एक प्यून की नौकरी करने के लिए भी तैयार बैठा हूँ. तो दोस्तों यही गलती आज ज्यादातर स्टूडेंट भी जाने अनजाने हर रोज अपनी स्टूडेंट लाइफ में किए जा रहे हैं, जो कि एक्चुअली में उन्हीं की आगे आने वाली जिंदगी को बर्बाद करके रख देगी. जबकि रियलिटी देखे तो एग्जाम में मार्क्स लाने के दो तरीके होते हैं, एक तो रट्टा मार के पढ़ो और एग्जाम में उल्टी करके आ जाओ. यानी कि पहले रट्टा मार मार के अपने दिमाग में इंफॉर्मेशन को कॉपी करो और एग्जाम में उसे पेस्ट कर दो. हाँ, ऐसा करने से एग्जाम में आपके नंबर्स तो काफी अच्छे आ जाएंगे, लेकिन आप अपने रियल लाइफ में कभी एक्चुअल क्वालिटी ऑफ नॉलेज को कभी हासिल कर ही नहीं पाओगे, जिसकी वजह से ही समय आने पर आपकी यही गलती आपकी जिंदगी को बर्बाद
बर्बाद करके रख देगी। वहीं अब मार्क्स लाने का दूसरा तरीका है अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ाई करना, जिसमें भले ही आपको किताब के वर्ड्स टू वर्ड्स याद ना हो, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपको पूरी तरह से क्लियर होगा तो आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के साथ साथ अपनी जिंदगी में भी क्रिएटिवली अपनी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे और अपनी सफलता के शिखर तक पहुंच ही जाओगे। यही वजह है कि बिल गेट्स एंड इलन मस्क जैसे कॉलेज ड्रॉप आउट अपनी क्वालिटी ऑफ नॉलेज की वजह से ही आज दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर बन चुके हैं, जबकि आज वही उनके स्कूल एंड कॉलेज के टॉपर्स आज भी कहीं अपनी 9 to 5 जॉब के लिए धक्के खा रहे हैं। अब अगर इलन मस्क भी अपना पहला रॉकेट बनाने के लिए रट्टा मार के पढ़ाई करते तो वो आज रॉकेट तो छोड़ ही दो, लेकिन वो अपने दम पे एक साइकिल भी कभी बना नहीं पाते। इसीलिए दोस्तों समय रहते अपनी इस गलती को सुधार लो, वरना ये शॉर्टकट आपके फ्यूचर को बर्बाद कर देगा। अब अगली गलती आचार्य चाणक्य जी ने ये बताई है कि जिस प्रकार कुकुन का त्याग किए बगैर एक साधारण सा कीड़ा कभी एक खूबसूरत तितली नहीं बन सकता, वैसे ही शरीर का त्याग किए बगैर कभी एक आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक उसी प्रकार विद्यार्थी जीवन में स्त्री प्रेम और काम वासना का त्याग किए बगैर एक विद्यार्थी कभी उच्च कोटि का ज्ञान कभी हासिल कर ही नहीं सकता। इसलिए जो छात्र अपनी विद्यार्थी अवस्था में स्त्री प्रेम और काम वासना के मायाजाल में फंस जाता है, उसे अपने जीवन में कभी एक उच्च श्रेणी की विद्या कभी प्राप्त हो ही नहीं सकती। अब सच्चाई देखे तो विद्यार्थी जीवन में ऐसा डिस्ट्रेक्शन होना बहुत ही कॉमन बात है। एक्चुअली में खुद चंद्रगुप्त मौर्य भी एक समय भी प्रेम और स्त्री की वजह से अपने लक्ष्य से डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। तब चंद्रगुप्त मौर्य आचार्य को ये बताते हैं कि हे आचार्य, मैं अपने दिल में उठ रहे प्रेम के सागर को रोक नहीं पा रहा हूं। मैं ना चाहते हुए भी दुर्दरा के प्रेम की ओर खींचा चला जा रहा हूं। तब आचार्य चाणक्य जी ये बताते हैं कि बेटा चंद्रगुप्त, इस दुनिया की हर एक प्रसिद्धि और सफलता हमेशा तुम्हारे त्याग और बलिदान का भोग मांगती है, और आज तुम्हारा लक्ष्य तुमसे वही बलिदान मांग रहा है। अगर आज तुमने अपने इस प्रेम का बलिदान दे दिया तो जिस दिन तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे तब तुम्हारा ये प्रेम तुम्हें उपहार के रूप में सामने से मिल जाएगा, लेकिन अगर आज तुमने ये त्याग और बलिदान नहीं दिया तो भविष्य में तुम अपने प्रेम के साथ साथ अखंड भारत का सम्राट बनने का सुनहरा मौका भी हाथ से गवा दोगे। अब इसके बाद चंद्रगुप्त ने आचार्य की बात मानकर उसी दिन से अपने प्रेम का बलिदान दे दिया और एकचित होकर अपना पूरा ध्यान अखंड भारत का सम्राट बनने पे लगा दिया। और जब चंद्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य के साथ मिलकर राजा धनानंद को हरा दिया, तब आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तुरंत ही मगध देश का राजा बनाकर राजा धनानंद की बेटी दुर्धरा का विवाह चंद्रगुप्त से करवा दिया, और तब चंद्रगुप्त को अपने त्याग और बलिदान का पूरा प्रकरण समझ में आया। ठीक इसी तरह दोस्तों, आपकी विद्यार्थी अवस्था में आपके सामने भी चंद्रगुप्त की तरह ही ऐसे ही कठिन परिस्थिति जरूर आएगी, जहां पे आपको विद्या और प्रेम में से किसी एक का स्वीकार करके दूसरे का त्याग करना ही पड़ेगा, जिसमें ज्यादातर लोग प्रेम का स्वीकार करके विद्या का त्याग कर देते हैं, जिससे कि भविष्य में उनके हाथ से प्रेम भी छीन जाता है और विद्या का ज्ञान भी वो अर्जित नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग चंद्रगुप्त की तरह ही अभी के लिए स्त्री प्रेम और काम वासना के माया जाल को त्याग करके अपना पूरा ध्यान विद्या और ज्ञान को अर्जित करने पर रखते हैं, उन्हें समय रहते ही विद्या अर्जित करने में एक प्रचंड सफलता हासिल हो जाती है, और उनकी इसी सफलता के प्रकाश से उनका प्रेम भी उनकी तरफ सामने से खींचा चला आता है। यही वजह है कि हमारे देश में IAS IPS UPSC के एग्जाम में लाखों लोग एग्जाम देने के लिए तो आते हैं, मगर उनमें से सिर्फ कुछ ही छात्र अपनी उस परीक्षा को पास कर पाते हैं, जिसके अंदर एक्चुअली में अपने लक्ष्य को पाने के लिए त्याग और बलिदान करने का सच्चा जज्बा होता है। अगर आप भी अपनी विद्यार्थी अवस्था में ऐसे ही जज्बे के साथ अपना पूरा ध्यान विद्या और ज्ञान को अर्जित करने पर रख दोगे तो वो दिन दूर नहीं जब चंद्रगुप्त की तरह ही आपको भी अपनी सफलता और प्रेम बिना मांगे ही सामने से ही मिल जाएगा। अब अगली गलती आचार्य चाणक्य जी ये बताते हैं कि घर से दृढ़ निश्चय करके निकला हुआ हर आदमी अपनी निर्धारित मंजिल तक आज नहीं तो कल लेकिन पहुंचता जरूर है, लेकिन जो इंसान कभी असफलता और निराशा के डर से कभी अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता है, ऐसे इंसान को स्वयं विधाता भी कभी सफलता प्रदान नहीं कर सकते। इसलिए इस जीवन की रणभूमि में जीतता वही है जो संघर्षों के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। ठीक इसी तरह इस विद्यार्थी अवस्था में अगर आप जीवन के संघर्षों से डरे बगैर एक योद्धा की तरह ही अगर आप जीवन की रणभूमि में उतर रहे हो तो आज नहीं तो कल आपको भी सफलता 100% मिलेगी। जैसे कि आप सभी लोगों ने वर्ल्ड फेमस कोको कोला कंपनी का नाम तो सुना ही होगा, जिसका मार्केट वैल्यू आज $212 बिलियन के आसपास है, लेकिन जब ये कोको कोला कंपनी की शुरुआत की गई थी तब वो पूरे साल में मात्र 25 बोतल ही बेच पाई थी। अब अगर ऐसे निराशा भरे रिजल्ट को देखकर कोको कोला के मालिक ने अपनी कंपनी को वहीं पे बंद कर दिया होता तो वो आज दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट कैप्चर करने वाली विशालकाय कंपनी कभी नहीं बन पाती। ठीक उसी तरह दोस्तों,
आज आपको भी अपने जीवन में कई सारी तकलीफें और परेशानियों को सामना करना पड़ रहा होगा, तो इन तकलीफों से डरे बिना अगर आप दृढ़ता से उसका सामना करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब आप भी चंद्रगुप्त मौर्य की तरह ही अखंड भारत में अपने नाम का डंका बजवा दोगे। तो दोस्तों, इन चार में से आप अपनी कौन सी गलती को आज और अभी से सुधारने वाले हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको ऐसे ही वीडियो और भी देखते हैं। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर हफ्ते यानी कि संडे को ऐसे ही इंस्पायरिंग और नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहे। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।